देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि हेमा मालिनी का असली नाम हेमा नहीं बल्कि आयशा भी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल थी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के असली हीमैन। लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिसने उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं। वहीं हेमा ने संजीव कुमार और जितेंद्र की पसंद से शादी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार बीते जमाने के सुपरस्टार हालांकि एक दूसरे के से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोबारा शादी नहीं कर सकते थे और वो अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। इसी के चलते धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में प्यार हेमा शाह के साथ शादी करने के लिए, उस शादी को वैध बनाने के लिए 1979 में इस्लाम कबूल किया था। वो एक हिंदू व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदल कर दिलवाकर खान केवल कृष्ण रखा, जबकि हेमा मालिनी ने अपना नाम बदल कर आयशा बी आर चक्रवर्ती रखा और दोनों ने 1980 में शादी कर ली। और शादी के 3 साल बाद हेमा ने 2 बेटियों को जन्म दिया, ईशा और आहना को। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।